भाई आ चुके हैं एक और नए एपिसोड के अंदर फार्ड नाइट के, जो कई लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई आप बीजेएमआई नहीं खेलते। हाँ अभी मैं बीजेएमआई बिल्कुल नहीं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ फार्ड नाइट 34। भाई यहाँ पे कर रहा था मैं रैंक पुश सोलो वर्सेस स्क्वाड में, जैसे ड्रॉप ऑफ लेता हूँ भाई एक टीम पूरी यहाँ पे उतर चुकी होती है। ठीक है, ये बंदा सबसे पहले स्ट्राइक होता है, अब इसके पूरे चार बंदा यहाँ पर होते हैं तो मैं इसको टेक डाउन करता हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली भाई मेरे पास होती है स्नाइपर, ठीक है, इतने बंदा आता है, इसकी डॉज देख रहे हो, जंप करते ही इसने क्या इंस्टेंट जंप मारी, इसने मेरी पोजीशन रिवील कर दी, लेकिन ये मेरे से भाग रहा होता है क्योंकि ऊपर क्रेट की सारी गन मैं ले चुका होता हूँ, लेकिन मेरे पास स्नाइपर होती है भाई। इसकी स्नाइपर ना बहुत अजीब, बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार अब मारोगे तो बहुत ही एक जर्क वाला रिकॉइल आता है इसके अंदर, तो वो वाला रिकॉइल कंट्रोल करना आसान नहीं होता, तो उसको मारने के बाद आपको एक बार फायर करने के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है। अब यहाँ पे लूट करता हूँ भाई, दो बंदे डाउन होते हैं, अब यहाँ पे एक और बंदा इंस्टेंट आता है, और भाई ना तो मेरे पास शील्ड होती है, अब मेरी हेल्थ पूरी जा चुकी है, मैं सिर्फ 1 HP बैठा हूँ। नीचे देखोगे तो व्हाइट कलर का बार दिख रहा है, वो मेरा हेल्थ बार है, जो बचा हुआ है वो पूरा व्हाइट होना चाहिए, तो मेरे पास हेल्थ तो होती नहीं है, मैं शील्ड लगाता हूँ। अब मेरे को पता होता है यार बैंडेज वगैरह चाहिए, जल्दी से हील करना पड़ेगा, और इन बंदों को पता होता है। अब फायर लाइट में एक और चीज़ होती है, ये बंदे इंस्टेंटली मरे हैं तो इनको रिकॉल तो मिलेगा, सेम मैं भी यहाँ मरता हूँ, मैं रिकॉल होकर वापस आता हूँ यहाँ बदला लेने के लिए। अब इनकी भाई जो मैं लंका लगाता हूँ ना, ये देखो भाई इसकी जो मैंने लंका लगाई, अब पूरी टीम को मैं ही पकड़ूंगा। ये पकड़ा सबसे पहले वाले बंदे को मैंने, और ये बंदे के पास वहाँ पे कवर होता है, तो ये मैं सीधा उसको स्ट्राइक डाउन करता हूँ। ये स्टार्टिंग वाला बंदा होता है, इसी की टीम है यहाँ पे, इसको मैंने वापस से मारा, अब ये फाइनल मरा है। जब तक इसकी टीम इसको रिवाइव नहीं देगी ये वापस जिंदा नहीं हो सकता, हालांकि अभी भी पूरी तरह नहीं मरा ये टीम, पूरी तरह टीम वाइंड अप करनी पड़ेगी तभी ये एनिहिलेट होगी। यहाँ पे ये बंदा दिखा मेरे को, ये लूट कर रहा होता है, अब इसको भी मैंने पूरा का पूरा लिया। इसको लेने के बाद भाई मैं फुटस्टेप एनालाइज करता हूँ, एक और फुटस्टेप मेरे पास आते हैं, अब भाई दो फुटस्टेप मेरे पास आते हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ कि भाई पूरा का पूरा हील कर लो। अब एक बंदा मेरे पर रश कर ही देता है, इतने में यहाँ मैं जो सामान पड़ा होता है ना वो उठाता हूँ, ये बंदा इतने में आ जाता है, ये ऊपर से कूदता है, मैं पीछे की तरफ होता है इसलिए मेरे को एनालाइज नहीं कर पाता, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कि आप जहाँ पे होगे फुटस्टेप आपको बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि फुटस्टेप से ना इतनी आसान नहीं है इसमें जज करना, आपको साउंड देना पड़ता है पूरा। इतने में इसका बंदा आकर रश करता है, ग्रीन शील्ड होती है इसके बाद, मेरे पास भी ग्रीन होती है लेकिन मेरी पूरी डैमेज होती है, तो मैं इसको अपने जो स्किल्स होते हैं पूरा उनसे मैं इसको मारता हूँ, पूरा एम हेड पे रख के कि भाई पूरा मूवमेंट करते रहो, और भाई फुल ऑन इसको मैं पूरा ट्रॉल कर देता हूँ पूरे पंच वंच के साथ, और इसके पिछवाड़े पे दिए 2-3 मुक्के, ये बाइंड अप हो गया। इतने में इसका बदला लेने टीम आ रहती है, मैं बाहर की तरफ नहीं आता, भाई किसने मेरे पे नेट डाला होता है बहुत गंदे वाला। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आता हूँ मैं, अब मुझे पता होता है वापस से जो बंदे मैंने मारे थे एक और टीम यहाँ पे आ चुकी है और उन्हीं के बंदे, तो मेरा होता है हीलिंग है नहीं तो यहाँ से भागो। तो मेरे पास मैगी कैरेक्टर होता है, मैगी डबल डैश मार सकता है, डबल क्या ये 3-4 डैश मार सकते हैं, आप देख रहे हो मैं 3 डैश मार चुका हूँ, एक और डैश मेरे पास आ चुकी है, तो पहले मैं वहाँ से निकलता हूँ ताकि मैं हील कर सकूँ, क्योंकि हीलिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मेरे को यहाँ पे हीलिंग का टाइम मिलता है, इतने में मेरे को एक और फर्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस बंदे को पता लग चुका होता है कि वहाँ से तो मैं भाग चुका हूँ लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ, क्योंकि ये एरिया में तो हूँ मैं ऑलरेडी। अपने में तो बंदा आया अब, लेकिन यहाँ पर पूरा रेडियो शील्ड चार्ज करी, अब मैं वेट करता हूँ उसका परफेक्ट टाइम का कि भाई ये है किस तरह। इतने मेरे को पीछे से पड़ती है भाई, ये कैंपर पीछे से आ जाता है भाई साहब, अब मैं पूरा भाई पूरी हेल्थ खा चुका था, शील्ड खा चुका था, लेकिन किसी तरह बच जाता हूँ मैं। लेकिन भाई साहब मेरे पास पूरा एक शील्ड एनहैंसर होता है तो शील्ड लगाता हूँ मैं, और ये बंदा पीछे अपनी टीम की तरफ भाग रहा होता है, मैंने कहा भाई अब तूने फाइट तो ले लिया तो भाई तो अब तो लेके ही जाएगा लास्ट एंड ट्रॉफी। ये बंदा भी इंडिया से होता है भाई, इसको मैं पूरा का पूरा वाइंड अप करता हूँ। ये लॉबी में भाई आप मान के चलो 50% इंडियन होते हैं और 50% बाहर के लोग होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये ग्लोबल सर्वर है ऑलरेडी। यहाँ मैं इससे फाइट लेता हूँ भाई, अब इसकी जो टीम है ना ये उस तरफ खड़ी है जिनसे मैं बच के यहाँ पे आया था, लेकिन कोई नहीं, उस टाइम मेरे पास लूट नहीं थे, अब मेरे पास लूट है पूरा चार्ज, जो मेरे पास मेरा जो एक सेकेंडरी अल्ट होता है वो भी मेरा चार्ज है पूरा का पूरा। इसमें अल्ट भी होता है आपका, ठीक है, जेड दबा के या फिर आप जो भी खेलते हो वहाँ से जहाँ पे डैमेज लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से आप अल्ट यूज़ कर सकते हो अपना, ठीक है। और कईयों को नहीं पता मैं किस डिवाइस में खेल रहा हूँ, भाई एक मोबाइल में अवेलेबल है, मैं खेल रहा हूँ आईपैड के अंदर 120 FPS में, ठीक है, और दिस मैच इज सोलो वर्सेस स्क्वाड। यहाँ पे उसके बंदे आ रहे थे, ये बंदा भाई पीछे की तरफ रिवर्स मारता है, रिवर्स मार के अपना मतलब स्पीड रिवर्स मारता है, डाकू नाम होता है इसका भाई, मैं पूरा डाकू बनाएंगे इसको, मैं पूरा घुसा लेता हूँ, हालांकि मेरी भी पूरा डैमेज हुआ है 50% डैमेज हो। इसकी बैंडेज वगैरह उठा के अपनी शील्ड को रिचार्ज करता हूँ, अंदर जाता हूँ, अब वेट करता हूँ कि भाई ये बंदे आए तो नहीं, ये बंदे आते नहीं है क्योंकि टीम वाइंड अप हो चुकी होती है या फिर टीम आगे चली गई होती है, क्योंकि अब मैं उठाता हूँ यहाँ से एक बाइक उठाता हूँ भाई, इसमें पूरी मॉडर्न वेपन है। इतने में एक बंदा इनका आता है, ये ग्रीन शील्ड है तो भाई ये रियल बंदा है, इसमें बहुत बहुत रेयर आते हैं भाई,
लेकिन इसमें वेपन जो जो बाइक वगैरह में वेपन होते हैं ना, उनका रिचार्ज टाइम थोड़ा सा, मतलब उनमें पा देखो स्टील्थ मोड, ये बाइक का स्टील्थ मोड है, बाइक देख नहीं पाएगा क्योंकि मैं डैमेज हो चुका होता हूँ थोड़ा सा, इसलिए अब उसने पता नहीं यहाँ पे एक पावर छोड़ रखी है, मेरे को उसका नाम नहीं पता, तो मैंने लाइक इट से मैं भी इस गेम में थोड़ा सा नया आई हूँ, ये बंदा पता नहीं कहाँ पे देख रहा होता है ये कुछ, ये हाँ ये हील कर रहा होता है और ये मेरे सामने ही हील करने लग जाता है, लेकिन भाई तुम्हारा भाई तो अब यार इसकी गलती नहीं है क्योंकि इसे मैं डैमेज इतना कर चुका होता हूँ, अगर आप हील नहीं करोगे तो ऑफिस जाओगे, लेकिन इसे हील करना था अपना डैश मार के कवर में जाके ताकि एक बैंडेज तो एटलीस्ट लगा पाता। मैं यहाँ पे अपनी शील्ड को रिचार्ज करता हूँ, शील्ड रिचार्ज करने के बाद भाई मैं आगे की तरफ निकलता हूँ और मैं आ जाता हूँ एक और जगह पे, वहीं पे, और यहाँ पे यार और बंदे जिनको मारा होता है वो ऊपर से ड्रॉप अप ले चुके होते हैं, भाई ये बंदा मेरे पे नेट डाल रहा होता है, लेकिन इसके बाद टिट फॉर टैट कर देता हूँ, इसके ऊपर ही नेट डालता हूँ मैं और भाई साहब वाइंड अप पूरा नेट से नॉक करा मैंने, फिर वाइंड अप कर दिया, देख रहे हो। अब यहाँ पे नेट का इफेक्ट देखो कि जब जो फायर जो मोलोटॉव का जो इफेक्ट होता है यहाँ पे, अगर मोलोटॉव फेंक हो गए यहाँ पे नेट में भी मोलोटॉव होता है तो ऐसा इफेक्ट आता है, मतलब पूरा रियलिस्टिक वाली फायर आती है, हाइड्रोजन फ्लेम होते हैं ना जो हाइड्रोजन मीथेन फ्लेम ऐसे फ्लेम्स आते हैं भाई। यहाँ पे ना मैं अपनी शील्ड को पूरा चार्ज करके रखता हूँ क्योंकि मेरे को शील्ड अपग्रेडर भी चाहिए होता है और मेरे पास अल्ट भी मेरा भी डिफाइन नहीं होता, 4 सेकंड होते हैं, तो मैं थोड़ा एनालाइज करता हूँ यहाँ से ना, मैं वहीकल लेता हूँ। अब ये वहीकल ना बड़ा अच्छा है, ये बहुत तेज़ चलता है और दूसरा ना भाई इसकी जो एमो लगती है ना शॉटगन की तरह भाई साहब निकलती है, देखो देख रहे हो मतलब एक साथ ना 3-4-10 बार एमो निकलती है, ये देखो कितना 50% डैमेज भाई। ये बंदा ना मेरे पे एम नहीं कर पाता क्योंकि मैं मूवमेंट इतनी ज़्यादा दे रहा होता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्टेबल करके इसको देता हूँ और यार ये बंदा व्हीकल की वजह से मैं बच जाता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे इसको लेता, लेकिन इसके बंदे अगर आसपास होंगे क्योंकि दे नॉक हुआ है तो एनिमीज को मतलब इसकी टीम को जिंदा है, जब तक टीम जिंदा है तो अब ये देखो इसकी टीम आ जाती है पूरा बाइक वाइक लेके। यार ये अब मेरे को लगता है भाई इनसे फाइट लेना मेरे खास भागना पड़ेगा क्योंकि मेरे व्हीकल को डैमेज कर रहे होते हैं और मेरी शील्ड पूरी उड़ चुकी होती है। अगर आपकी शील्ड चली गई ना भाई तो प्रॉपरली आप कवर में जाओ क्योंकि कवर में लेके फाइट लो, क्योंकि शील्ड चलेगी तो भाई आप बहुत जल्दी जैसे BGMI में होता है वेस्ट खत्म तो आपको पता है कितने वल्नरेबल हो गया, ऐसे यहाँ पे शील्ड खत्म तो यू आर वल्नरेबल। तो यहाँ पे मैं पीछा तो पीछे भी एनिमी होता है लेकिन मेरे को लगता है यार इसको तो लेना ही पड़ेगा, पर्पल शील्ड होती है। अब मेरी एक आदत है यार मैं कभी कवर नहीं छोड़ता, मैं मतलब ये नहीं अगर डैमेज अच्छा खासा करा स्टिल वो बंदा मेरे को डैमेज करता है, देखो मैं 1 HP हूँ लिटरली, लेकिन अपनी ये आदत रखो चाहे सामने कितना भी डैमेज हो ऑलवेज फाइटिंग कवर। अब मेरे को यार होता है कि यार मेरे को ना फाइट से पहले मेरे को अपना हील करना पड़ेगा और ये बंदे नीचे होते हैं, फॉर्चुनेटली एक और टीम नीचे होती है जिनसे दोनों भिड़ जाते हैं और मेरे को टाइम मिलता है यहाँ पे हील करने का, मैं हील करता हूँ पूरा का पूरा हील करता हूँ, बाद में जाके मैं सोचता हूँ कि यार अभी पहले हील करो फिर बाद में फाइट लेंगे। और ये एक बंदा मेरे बिल्कुल क्लोज आ गया, ये देखो ये बंदा दूसरी टीम का होता है जो उसको नीचे वाले बंदे को मार देते हैं, लेकिन इसको मैं ले लेता हूँ। अब भाई इनको ना मैं इनकी फाइट होती है दूसरों से, दोनों को नॉक करता हूँ मस्त वाला, मैंने देखा इंस्टेंट नॉक मारा मैंने, लेकिन एक लेफ्ट में बंदा है जिसको ये मार रहे होते हैं भाई पर्पल शील्ड होती है। अब यहाँ पे मैं पूरा कवर नहीं छोड़ता लेकिन मेरे को ये होता है कि यार इसको मैं ले लूँगा, अब मैं ओपन में आ जाता हूँ, ये गलती मैं कर देता हूँ, ये गलती कर मत करना चाहे कितना भी हो, क्योंकि अगर इसकी टीम यहाँ पे होती ना कवर है नहीं, दो बंदे आपको मारेंगे आपकी शील्ड उड़ाएंगे आपको डैमेज करेंगे, आपको पीछे भागना पड़ेगा और पीछे भागते भागते आपको लग जाएगी। इतने में इसका पीछे से बंदा आता है पर्पल शील्ड वाला, इसको मैंने दिया काफ़ी, लेकिन इसके पास पावर होती है यार, इसके पास इसका अल्ट होता है, हालांकि बंदा बहुत लो होता है लेकिन अल्ट में मेरे को लेके चला जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा 16 vs स्क्वाड का गेम प्ले तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, गेम का नाम है फायर लाइट, ऑसम टैग मिलता है अकेला MVP और किल्स अपने कितने करे होते हैं आपको दिखा देता हूँ मैं, 15 किल्स करे होते हैं अपन ने।